सुख के साथ दोस्तों, मैं आपको दोस्तों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। सो आज हम लोग बनाने वाले हैं हमारा LHB रैक का ऑरेंज कलर, रेड कलर कोच। मतलब कि ये रेड कलर कोच आपने ना मोस्टली राजधानी में देखा होगा, नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन में भी देखा होगा। सो हम लोग ये हम सफ़र के बीच में डालने वाले हैं। हाँ, नॉर्मली हम सफ़र में ये कोचेस यूज़ होते हैं। सो उसके लिए हम पहले अपना बेस डाल देते हैं। हमारा इसमें बेस ग्रे कलर का होने वाला है और इसमें मैं थर्ड AC वाला कोच बनाऊँगा। माना मैंने पुणे नागपुर हम सफ़र डाला है और पूरे इंडिया में सिर्फ पुणे और पुणे नागपुर हम सफ़र एक लौती हम सफ़र है जिसमें सेकंड AC कोच भी होता है। पर मैं इसमें सेकंड AC कोच नहीं डाल रहा क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि हम सफ़र में सिर्फ थर्ड AC होने चाहिए। सो इसका ये बेस ख़त्म करने के बाद आपसे मिलता हूँ। सो ऑलरेडी दोस्तों देख सकते हो मैंने यहाँ पर पूरा कर दिया है। सो अभी काम करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हमारा बाथरूम बना देते हैं। थोड़ा रेड कलर के ब्लॉक्स यूज़ करके फिर हमें यहाँ पर दरवाज़ा और यहाँ पर हमारे कनेक्टर्स। सो इतना हो गया, अभी चलते उस साइड भी। सो इसमें यहाँ पर हम लोग इधर ऐसे लगा दे, ऐसे लगाने के बाद सेम इसका इस साइड का भी सेम वैसे बाथरूम का। बाद में यहाँ पर दरवाज़ा और यहाँ पर ब्लॉक्स कनेक्टर। इसके बाद हम लोग यहाँ पर अपना दरवाजे का एरिया कर देते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसमें ना इधर से मैं स्टार्ट करूँ, मतलब कि इधर से नहीं उस साइड से करते हैं क्योंकि जो स्पेस होगा ना हमारे पीछे रहेगा, आगे नहीं। सो काम करता तो साइड की सीटें इस साइड रखूँगा, उस साइड नहीं। सो अभी इन सब की तो ज़रूरत है नहीं। रूफ के भी ले लेते सारे। सो फिर आज में यहाँ पर दरवाज़ा, इधर भी दरवाज़ा, लैडर। सो फिर आज में यहाँ से हम लोग थोड़ा डिस्टेंस देख के देख लेते हैं। ये एक कंपार्टमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। सो इतना इतना हम लोग अपना डिस्टेंस रखने वाले इसमें। सो इतना हो गया है। फिर हमें यहाँ पर हम लोग ये दरवाज़ा लगा देते हैं, इधर भी सेम और पीछे भी, इस साइड भी। सो इसके बाद एक काम करता हूँ, ये उसके ऊपर का रूफ लगा देते हैं। फिर हमें अंदर का जो माल है हम लोग अंदर का कर देंगे बाद में। सो सबसे पहले इसका हम लोग ये ग्रे लाइन, ग्रे ब्लॉक से हम लोग ऊपर रूफ बना देंगे। ये हो गया। फिर हमें यहाँ पर लाइट्स, फिर मैं यहाँ पर भी इस साइड, फिर आज मैं भी इसका स्लोप और ये स्लोप लगाने का आपसे मिलता हूँ। दोस्तों देखो मैंने कर दिया है। अब ये काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर अपनी लाइट्स की सप्लाई लगा देते हैं कनेक्ट। सो हो चुके हैं। अभी यहाँ पर एक तो इसका हम लोग एक्स्ट्रा रूफ भी लगा देते हैं। हमें ऊपर से ये तो ये हो चुका है। सब एक काम करते हैं, इसके बाद यहाँ पर ये ब्लॉक्स लगा देते हैं ताकि ये एक्स्ट्रा ब्लॉक्स, ताकि हम लोग जो इसका ऊपर का जो हम लोग है उसको हम लोग ये पैनल्स लगा सकते हैं।
सो ये इस साइड का हो चुका है, इस साइड का भी सेम कर देते हैं। तो इसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर पैनल्स लगा देते हैं। सो इन सब की तो इसकी ज़रूरत है, इन सब की ज़रूरत नहीं है। सभी यहाँ पर पहले पैनल्स लगा देते हैं इस साइड से। यहाँ तक फिर हमें इधर भी सेम। फिर मैं यहाँ पर तीन तीन का गैप, फिर मैं यहाँ पर ग्लास। सो इस साइड का पांच कंपार्टमेंट हो गए। चलते इस साइड, इधर भी सेम। मैं ऊपर से भी फिर मैं यहाँ पर बीच में तीन दिन का गैप। फिर मैं यहाँ पर कंपार्टमेंट सेम एज इट इज, जिस साइड उस साइड हमने जैसा किया था। सो इसके बाद एक काम करते हैं, अभी इधर आते हैं और इसके ऊपर एग्जैक्ट इसको तोड़ के इधर लगा देते हम लोग साइन, क्योंकि ना अब मैंने हम सफर में भी सेम ऐसे सेंटर में लगाया था, इसको भी हम लोग ऐसे सेंटर में लगाएंगे। चलते हैं अभी यहाँ पर, और अभी ये अंदर का ये पूरा ब्लॉक्स तोड़ने के बाद आपसे मिलता हूँ। तो ऑलरेडी जैसे मैंने ये निकाल दिया है, और यहाँ पर मैंने वही ऐसे ब्लॉक रखा, क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर हमने साइन लगाया था। तो अभी यहाँ पर हम लोग कर देते कंपार्टमेंट सेपरेट। फिर बाद में अभी यहाँ पर हम लोग इधर ये सब लगा देते हैं, सारे कुर्सियाँ। याद में अभी हम लोग यहाँ पर बीच में ये बेंच लगा देते हैं। हमें अब लोग यहाँ पर ये बड़ा वाला लगा देते हैं, बड़ी ये हो चुका है। सब इसके बाद यहाँ पर ऊपर हम लोग बेड्स लगा देते हैं, पहले ये मेन साइड में लगा देते हैं, बाद में उस साइड की सीटों में लगाएंगे, और इधर ऐसे रहेगा। तो इधर ऐसा हो चुका है। सो एक काम करते हैं, अभी हम लोग यहाँ पर ये एक्स्ट्रा वाले ना ये ब्लॉक लगा देते हैं, ताकि जो हमारा ऊपर वाला बेड है वो थोड़ा सा लंबा हो जाए, तीन ब्लॉक जितना। साइड की सीटों में बाद में लगाएंगे। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बेड स्लो लगा दिया साइड की सीटों में, और यहाँ पर ऐसा लगाने की जरूरत नहीं कि ऑलरेडी लंबा ही है। सो फिर मैं अभी यहाँ पर भी ये सब कर देते हैं साइड की सीटों में भी।
सोफिया में भी हम लोग यहाँ पर लैडर्स लगा देते हैं। सो यहाँ पर हमारा लैडर्स लग चुके हैं, अभी चलते बाहर। और बाहर में जो हमने मैंने ऑलरेडी साइन लगाया हुआ है उसके ऊपर हम लोग इसका नामकरण कर देते हैं। सो यहाँ पर हमारा ये है पुणे, नागपुर, ट्रेन नंबर 213412 B3 आई गेस, या B3। एक बार नंबर ना एक बार देख लेते, नंबर सही है। यस, सो ऑलरेडी जैसे आप देख सकते हैं मैंने अभी क्या बोल रहा हूँ, ये हमने कर दिया फाइनली राजधानी वाला कलर। हाँ, राजधानी का अगर मैं आपको दिखाऊँ, मेरी ये रही राजधानी, राजधानी में भी मैंने सेम ये कोचेस यूज़ किए, पर हम सफ़र में ये कोच तो यूज़ करना ही बनता ही है। ये हम सफ़र में ऐसे ब्लू कलर के कोच कम यूज़ होते हैं लाल कलर के कोच के कंपेयर में, पर मैंने थोड़ा उल्टा किया है। हम सफ़र में हम सफ़र के कोच यूज़ तो और अच्छा है। सो दोस्तों आज के इतना ही, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, मिलते हैं कौन है वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।